गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी अभी एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है GNDU एवं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के रिजल्ट को लेकर कि CBGS न्यू वाले रिज़ल्ट पब्लिश होने शुरू हो चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर वालों के। तो चलो जल्दी से हम आपको चेक करके बताते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस का रिज़ल्ट पब्लिश हो चुका है। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके गूगल में जाके सर्च करना है GNDU रिज़ल्ट। जैसे आप सर्च करोगे उसके बाद जो फर्स्ट साइट आपकी स्क्रीन पर ओपन होगी जहाँ रिज़ल्ट लिखा है वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पैसे पे छूल जाएगा, तो आपने थोड़ा सा नीचे आना, स्क्रॉल करना है, रिजल्ट वाली सेक्शन में जाके सेमेस्टर सिस्टम न्यूज जाने का वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट वाले पेज पे पहुँचोगे। तो सबसे पहले आपने ईयर पे क्लिक करना है, 2024 को सिलेक्ट कर लेना है, मंथ पे क्लिक करना है, मई को सिलेक्ट कर लेना है, कोर्स टाइप पर क्लिक करना है, CBGS न्यू को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि इनके रिज़ल्ट भी पब्लिश होने शुरू हो चुके हैं। जैसे आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद सिलेक्ट क्लास पे आपने क्लिक करना है और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो तीन क्लासेस का रिज़ल्ट पब्लिश हो चुका है CBGS न्यू वाली साइड। फर्स्ट क्लास है सर्टिफिकेट इन फ्रेंच पार्ट टाइम, तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट सेमेस्टर आपने क्लिक करना है और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दो, उसके बाद रोल नंबर की सबमिट कर दो, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जिसका रिजल्ट आया है वो है सर्टिफिकेट इन जर्मन पार्ट टाइम, तो सिंपली अपने यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट सेमेस्टर पे अपने क्लिक करना है और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दो, उसके बाद रोल नंबर की सबमिट कर दो, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे होगा। उसके बाद थर्ड क्लास जिसका रिजल्ट आया वो है सर्टिफिकेट इन पर्शियन पार्ट टाइम, तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट सेमेस्टर पे अपने क्लिक करना है और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दो, उसके बाद रोल नंबर की सबमिट कर दो, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। और जो है सभी स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि अब सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया होगा और सभी स्टूडेंट्स पास होंगे। तो जैसे ही किसी और क्लास का या फिर किसी सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो हम आपको बता देंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।